गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू दी क्लास ट्वेंटी फोर स्वागत है आप सभी का इस एक्चुअली क्लास के अंदर और अभी आपकी नाइन फिफ्टीन वाली क्लास जो है वो चालू हो गई थी तो वो हट जाएगी उसकी कोई टेंशन नहीं है वो अभी आपकी अभी उसको हटा के नई क्लास लग जाएगी तो एग्जैक्टली नौ पंद्रह आपकी क्लास है ठीक है आज क्लास है वो गलती evening, से अभी जो है वो आ, स्टार्ट हो गई थी क्योंकि उसका कुछ टेक्निकल चीजें आप शायद समझ ना पाओ लेकिन उसका की ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो इट वॉज लाइक कि हाँ चलो भाई इसको वो शुरू हो गई अपने आप ही है ना कहते कभी कभी किसी को शुरू नहीं करना पड़ता अपने आप ही शुरू हो जाते हैं महाशय जी तो यही वाला सेक्शन है चलिए ठीक है आज का जो सेक्शन होने वाला है उसमें आप हंड्रेड क्वेश्चन का पार्ट वन करोगे पार्ट टू मैं आपको नेक्स्ट वीक कराऊंगी कराऊंगी अभी नहीं एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं पर्यावरण और प्रदूषण जी जी का जिन बच्चों का एग्जाम है ना उन लोगों ने बहुत ज्यादा ये बोला था इसीलिए मैंने क्लास के जो हमारे फिफ्टीन मिनट सेशन चल रहे थे उसके बीच में ये क्वेश्चन कराने लग रही हूँ मैं आपको तो वो कोई आपका टेंशन नहीं है फिफ्टीन मिनट के सेशन का ही एक तरीके से इसको हिस्सा समझ लीजिए क्योंकि एनी विच वेज आपको environment and pollution पढ़ना ही पड़ेगा पूरा का पूरा तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसके अलावा आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी न्यूज है कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ये लगता है कि मैम बहुत टाइम से आपने लंबी क्लासेस नहीं ली है आपने जो हम हमारा एक स्पेशलिटी हुआ करता था ना कि हम 500-300 क्वेश्चन एक दिन में खत्म कर दिया करते थे वो सेक्शन अभी काफी टाइम से हो नहीं रहा था तो अभी आइडियली अब आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी खुशखबरी है हालांकि इसको किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत लेना ये मैंने टाइटल लिखवा दिया ताकि जो बच्चे अभी पेपर देने वाले हैं बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल का इवन ये आइडिया भी मुझे उन्हीं कुछ बच्चों से आया है जिन्होंने अभी कुछ दो दिन पहले मुझे बोला भी था कि ये क्वेश्चन हमको कवर करने हैं सो so, एक बार ध्यान से देख लीजिए आगे के कुछ क्लासेस के अंदर और वो क्लासेस की की होने वाली हैं हैं तारीख को को आप मेरे साथ इसी चैनल के ऊपर शाम बजे बजे से लेके जब तक 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 ये क्वेश्चन क्वेश्चन पूरे होते हैं, तब तक। वैसे मुझे लगा है है कि 300 की बात तो तो हम कंप्लीट कर ही लेंगे तो अगले 28, और यानी कि अट्ठाईस करने वाले हैं ठीक है अट्ठाईस उनतीस तीस को मैराथन सेशन है जिसमें एक क्लास आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था की होगी जिसमें अनुच्छेद संशोधन चुनाव की प्रक्रिया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये करने हैं और यहाँ पे तीन सौ लिखी गया है लेकिन यहाँ पे आपके पूरे पांच सौ क्वेश्चन होने वाले हैं 500 क्वेश्चन जो है ना वो मेरे साथ आप यहाँ पे करने वाले हो दूसरा चीज यहाँ पे हम करने वाले हैं भारतीय भूगोल यानी कि जो ज्योग्राफी का कुछ सेक्शन है वो हम करेंगे जिसमें से रिवर्स वगैरह इंक्लूड करनी है और ये क्वेश्चन लगभग वन लाइनर आपको थ्री हंड्रेड मिलेंगे उसके अलावा रिवर्स के क्वेश्चन माउंटेन्स के क्वेश्चन ये सब मिला के पांच सौ क्वेश्चन ही मिलेंगे 500 क्वेश्चन जो है ना वो आपको मिलने वाले हैं मेरे साथ ज्योग्राफी के अंदर और तीसरी चीज यहाँ पे ये कि भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री के हम अगेन मैराथन सेशन करने वाले हैं जो कि आपका 500 हंड्रेड क्वेश्चन का होने वाला है मैं आपको बता देती हूँ 28 तारीख को हम हिस्ट्री के साथ ही शुरुआत करेंगे क्योंकि एक और दो तारीख को है गांधी जयंती उससे पहले आपको भारत का इतिहास भी पता रहना चाहिए तो यहाँ पे हम करने वाले हैं कि पूरा पार्ट जो है वो 28 का 29 का और 30 के ये तीन सेशन है इनको मार्क कर लीजिए नोट कर लीजिए कुछ भी कर लीजिए लेकिन आपको 28, 29, 30 को यहां पे प्रेजेंट रहना है मेरे साथ समझ गए यहाँ पे बिहार का जो ये पुलिस कांस्टेबल का पेपर है बिहार एसएससी का पेपर है आगे जीडी का आप फॉर्म भरने वाले हो आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो आप एमटीएस को हवलदार का जो पेपर एसएससी का उसकी तैयारी कर रहे हो या बहुत सारे बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं जो होने वाला है दिसंबर के आसपास डेट दी हुई है है ना इन सब एग्जाम में ये सारी क्लासेस आपकी बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो करेंगी उसके अलावा अगले हफ्ते जो है आर्ट एंड कल्चर साइंस का और करंट अफेयर का पूरा एक रिवीजन जो है वो हम अगले हफ्ते करने वाले हैं ठीक है एलपी साइंस की एलपी टेक्नीशियन की साइंस वो आपकी सवानों चल रही है उतना ही करना है पवन जी आपकी जो साइंस की क्लास है वो नाइन फिफ्टीन पे चल रही है नौ पंद्रह पे जो क्लास चल रही है एल टेक्नीशियन की अभी वही क्लास है ऑन गोइंग जब तक आपके एग्जाम्स का कोई यहाँ पे डेट या कुछ भी नहीं आता है तो जब तक डेट नहीं आती है उसको एक कॉन्सेंट्रेटेड होती है ना उससे नहीं करा सकते हैं तो यहाँ पे डायल्यूट ही है सब कुछ पे पे तो नौ पे आपका जो क्लास होती है साइंस की वो आपकी ए ही है उसी को आप ए समझ लीजिए उसी को आप साइंस की एक क्लास समझ लीजिए जो आपके एग्जाम में आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है ठीक है करें क्वेश्चन के साथ आज के क्वेश्चन एंड पोल्यूशन के हैं एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन जीडीसी और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे आपकी हाँ चलो ठीक है ये तो सबके मतलब का चलिए भाई शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर पचास क्वेश्चन अगले बीस मिनट पंद्रह मिनट में खत्म कर लो बहुत क्वेश्चन है मैक्सिमम आपको आते होंगे तराई एलिफेंट्स तराई एलिफेंट सेंचुरी ये भारत की तैतीसवीं एलिफेंट सेंचुरी बन गई है है ना ये कौन से राज्य में लोकेटेड है तराई हाथी अभ्यारण भारत के अंदर टोटल हाथी अभ्यारण की संख्या कितनी है थर्टी थ्री कितने थर्टी थ्री तो ये कौन सी है ये तैतीसवीं ही है कौन सी है तैतीसवीं इसको तराई एलिफेंट रिजर्व या फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट के द्वारा अप्रूवल दिया गया है और उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो इसको यहाँ पे तीन अक्टूबर 2022 के अंदर अपने अंडर में मिला चुका है बात हो रही है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की और इसमें दो आपको टाइगर रिजर्व दो आपको यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स भी याद रखने हैं एक दुधवा टाइगर रिजर्व आपने सुना होगा दुधवा टाइगर रिजर्व और एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व सुना है आपने पीलीभीत इन दोनों टाइगर रिजर्व को भी इसमें मिला लिया गया है जब तराई एलिफेंट सेंचुरी आप याद रखोगे याद रखना दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है उनकी जगह भी इसमें इंक्लूड की गई है उसके अलावा किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक

बताइए भारत का पहला हिस्खलन निगरानी रडार किस क्षेत्र में स्थापित किया गया है एवलांचे मॉनिटरिंग अब एवलांच आप याद रखिए जो हिस्खलन की बात होती है या फिर जैसे थोड़े बहुत आपके ये जो होते हैं जहाँ पे ये ऐसी चीजें मेजर मेजरली फेस की जाती हैं वो डिफेंस जियो इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा बनाई जा रही है और ये कहाँ पे स्टैब्लिश की गई है सिक्किम के अंदर इंडिया फर्स्ट स्लेंडर स्लेंडर लॉरिस भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है स्लेंडर लॉरिस इस तरीके का जानवर है और भारत के अंदर ये मौजूद है इसकी कुछ संख्या जो है वो भारत के अंदर मौजूद है इसीलिए दिंदीगुल डिस्ट्रिक्ट और करूर डिस्ट्रिक्ट दो डिस्ट्रिक्ट हैं दिंदीगुल और करूर नाम से आप समझ ही गए होंगे ग्यारह हेक्टेयर के तमिलनाडु के एरिया में दिंदी दिंदीडुर और करूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी को ओपन किया गया है ये कहाँ पे लोकेटेड है तमिलनाडु ये देखिए भारत का जो पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया बताइए डुंगोंग डुंगोंग होता क्या है ये मरीन मैमल कहा जाता है जिस तरीके से आपका वेल मछली होती है ना वो मैमल होती है स्तनदारी होती है लेकिन तैरती है जबकि बाकी के मैमल नहीं तैरते हैं पर फिर भी मैमल जो है मछली जो वेल मछली होती है उसी तरीके से याद रखिए डुगोंग जो होती है ना उसको समुद्री आ, आ, समुद्री गाय कहते हैं सी काओ के नाम से जाना जाता है समुद्री गाय कहते हैं पहले तो ये भारत के बहुत सारे एरिया में लोकेटेड थी पहले तो भारत के बहुत जगह में पाई जाती थी ये अंडमान में भी होती थी स्ट्रेट में भी पाई जाती थी उसके बाद गल्फ ऑफ मनार में भी पाई जाती थी आज इनकी संख्या जो है वो कम हो गई है और खिसक के ये कहा, कहा जाता है कि भारत के अंदर ये कई बार ये कहा गया है कि दो ही ऐसे प्रजाति डगोंग के बने हुए ताकि ये बिल्कुल तरीके से एक्सटेंड ना हो जाए खत्म ना हो जाए इसीलिए डगोंग को जो है वो भारत के अंदर हमने संरक्षण देना शुरू कर दिया गया है हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके थुंडी एवं कदमत तट कौन से राज्य या संघ राज्य में स्थापित है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का मतलब है भारत के ऐसे बीच या ऐसे तट जो कि सुंदर हैं साफ हैं स्वच्छ हैं उनके पानी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और वो काफी आपके क्लीन है 26 अक्टूबर बाईस की बात हो रही है छब्बीस अच्छा इसमें मैंने आपके जो एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन है उसमें 2022 का और 23 का करंट ले लिया है ठीक है शुरू के कुछ क्वेश्चन में 2022 और 23 का करंट अफेयर्स है और बाकी के पीछे के 50 क्वेश्चन में आपका एनवायरमेंट ही है तो ये एग्जाम में आपके पूछे जाने वाले हैं थुंडी और कदम ये कहाँ पे लोकेटेड है लक्षद्वीप करके याद रखे लक्षद्वीप की राजधानी क्या है जल्दी से बता दीजिए लक्षद्वीप हमारा संघ शासित प्रदेश कहा जाता है यूनियन टेरिटरी आइलैंड कहा जाता है और ये भारत के वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है लक्षद्वीप की राजधानी क्या कही जाती है विच इज फर्स्ट ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच एशिया के अंदर पहला सर्टिफाइड ब्लू बीच अब ब्लू फ्लैग बीच कौन सा है तो गोल्डन बीच जो उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है वो पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच कहा जाता है ठीक है हाल ही में गमर्धन पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है ये किस राज्य में है अभी अगर आपको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के बारे में पूछेंगे जो कि आपका एक कॉमन क्वेश्चन है आ, अपार्ट फ्रॉम पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो बताइए जरा गंधमर्धन पहाड़ी जो है वो कौन से राज्य में स्थित है इसी के साथ मैं आपको बता दू की भारत के अंदर आज की डेट में चवालीस बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है और यही क्वेश्चन जब आप गूगल से पूछोगे ना गूगल पे आप सीधा टाइप करिए हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट वो आपको छत्तीस थर्टी सिक्स बताएगा जबकि वो एंटायरली रॉन्ग है आप एनबीए की साइड पे जाइए नेशनल बायोडाइवर्सिटी की जो साइट है उस पर आपको डिटेल मिलेगी और चौबीसवा जो है वो गंधमर्धन आपको मेंशन किया गया है गंधमर्धन पहाड़ी को जैव विविधता विरासत में घोषित किया गया ये कहाँ पे लोकेटेड है ओडिशा करके याद रखें ओडिशा तेलंगाना की ये मैंने आपसे राजधानी पूछी थी लक्षद्वीप की करावती करके लर्न करिए सिम्पी वेरी गुड बाकी सारे बच्चे भाई जो क्वेश्चन मैं पूछा करूं उनको भी साथ साथ बताया करिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं गंदमर्धन हिल्स के अंदर ये लोकेटेड है आप गंदमर्धन हिल्स आपकी बायोडाइवर्सिटी का हो गया यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की पहाड़ियां ये उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है बोलांगीर और बारगढ़ अगर थोड़ा भी बोलांगीर और बारगढ़ बोलांगीर और बोलांगीर और बारगढ़ बोलांगीर और बारगढ़ ये दो तो डिस्ट्रिक्ट जो है ना वहां पे ये पूरा लोकेटेड है इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका चवालीस in so, याद रखें विच इज दर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो है वो कौन सा है तो भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट किसको बनाया गया था तो नेलोर टेमरिड ग्रोव कर्नाटका ग्रुप कर्नाटका टेमरिंड जो है वो शब्द इमली के लिए लिखा जाता है तो कर्नाटका का पहला या फिर भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो इंक्लूड की गई थी या डिक्लेयर की गई थी ये बेंगलुरु के अंदर लोकेटेड है 2007 में इसको इंक्लूड किया गया था दो में और एक चीज और याद रखिएगा ये साइट जो है वो चोल वंश को भी रिप्रेजेंट करती है आठ साल पुरानी ये साइट है और 2007 से लेके अब तक भारत के पास चवालीस हेरिटेज साइट जो हैं वो आ चुकी हैं। वेन वॉज दी बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास बाय द इंडियन पार्लियामेंट इंडियन भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था तो 2002 करके याद रखिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो आपका बनाया गया था वो 2000 से रिलेटेड और उसी टाइम एनबीए जो है वो भी आपकी आई थी हालांकि यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है अगर ये पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कब स्थापित हुआ था तब आप 1992 करके याद रखिए हम भारत की संसद की बात कर रहे हैं तब 1992 के Uh, जो यूनाइटेड कन्वेंशन है उसी के आर्टिकल वन को फॉलो करते हुए और आर्टिकल थर्टी सेवन को फॉलो करते हुए बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर पारित किया गया था नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी कब स्थापित की गई थी तो 2002 में आपने एक्ट पारित किया और 2003 के अंदर आपने नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को बना दिया इसी के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ एनबीए की साइट है अगर आप uh, भारत के अंदर कोई भी स्पीशीज को इधर उधर करते हो जैसे आपने कई बार सुना होगा कि आप टर्टल्स जो होते हैं उनको इधर से उधर नहीं आपको पता है ना कि कछुए घर में रखना दंडनीय अपराध है अगर आपको कछुए आपने घर में रखे हैं और पुलिस को पता लग जाएगी तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा आप कछुआ घर में नहीं रख सकते हो अपने ठीक है आपको ये सोचे कि हमारे तो आ, अमीरों के शौक है हमारे तो शहजादों वाले शौक है हमारे तो शौक जो है वो किसी शहनशाह से कम नहीं है हम तो शेर पालेंगे हम तो टाइगर पालेंगे तो आपको लगता है कि वो चीज ऑफिशियली आपके लिए अलाउड है क्या नहीं अलाउड है बच्चे आपको पुलिस धर लेगी अच्छे से ठीक है हम कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको नहीं पाल सकते हैं उसी तरीके की कुछ चिड़िया भी हैं जिनको आप नहीं पाल सकते हो घर में ऐसे कई सारे जानवर है अब कोई सोचे भाई हमें तो अपने पानी के अंदर जो है वेल का बच्चा रखना है पुलिस मार मार के डंडे लगाएगी बहुत सारे कछुआ नहीं पाल सकते हो आप आप किसी भी तरीके का कोई जो बिग कैट है वही नहीं पाल सकते हो बिग कैट बिग कैट अभी मैं चार नाम बताऊंगी आपको यहाँ पे कि बिग कैट जो है वो क्या होता है तो ये सब आप नहीं पाल सकते हो अपने घर में 2003 के अंदर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एस्टेब्लिश की गई थी और आज इसका हेडक्वार्टर आप याद रखें चेन्नई तमिलनाडु के अंदर मौजूद है जितने भी आपके एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट हैं या फिर आपके जितने भी जोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैं वो सीधा एनबीए को अपना डाटा भेजते हैं ताकि कुछ और तो नहीं यहाँ पे स्मगल हो रहा विच प्रोजेक्ट मैं बोल रही थी बिग कैट का मतलब जो है ना वो बिग कैट का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप खाली शेर की बात करो यहाँ पे याद रखिए बिग कैट के अंदर सात बड़ी कैट्स आती हैं सात बड़ी कैट्स कौन कौन सी टाइगर लायन लेपर्ड चीता जेगुआर स्नो लेपर्ड क्लाउडेड लेपर्ड जैसे मैं फिर से रिपीट करती हूँ बाघ शेर तेंदुआ आपका क्लाउडेड वाला क्लाउडेड लेपर्ड हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड जिसको बोलते हैं जेगुआर बोलते हैं इनमें से कुछ भारत के अंदर अवेलेबल है कुछ की संख्या बहुत कम है लेकिन उसके बाद भी और जिनकी संख्या ज्यादा भी है कि यहाँ पे कुछ भी आराम से नहीं आपको यहाँ पे आ, ये लर्न करना ठीक है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस करके याद रखिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नीलगिरी तहर परियोजना या नीलगिरी नीलगिरी तहर परियोजना ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है पांडा रखोगे क्या पांडा एक्सटिंक्ट है कुछ शहरों में कुछ राज्यों में पांडा एक्सटिंक्ट है रखना भी शौक देखो यहाँ पे है ना यहाँ पे क्या रखना है पांडा रखना है सीधा भाई जानवर जो है ना कहते हैं ना जानवर और नमक जो है वो ऐसे ही रखना चाहिए थोड़ा उसके अनुसार रखना चाहिए जानवर आप नहीं पाल सकते हो आपके एनिमल्स हैं उनको आप अंदर रख लोगे तो कैसा चलेगा गड़बड़ नहीं हो जाएगा नीलगिरी तहर परियोजना क्या है ये नीलगिरी बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर ही आता है ये नीलगिरी हिल्स जो है वो आपकी चार राज्यों को कवर करती है दो से लेकर दो तक का ये प्रोजेक्ट है तो ये ऑन अभी प्रोजेक्ट यहाँ पे चलने लग रहा है ये 2022 में शुरू हुआ था और नीलगिरी जो है वो आपके तमिलनाडु से संबंधित है तमिलनाडु राज्य ये प्रोजेक्ट को चला रहा है जहां पे नीलगिरी के संरक्षण की बात हो रही है नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं नीलगिरी पे बहुत सुंदर प्लांट्स बहुत सुंदर फूल उगता है इसीलिए इसको नीलगिरी कहा जाता है नीले फूल इसपे उगते हैं इसलिए और यहाँ पे चौदह साल में ही एक बार फ्लावरिंग होती है ठीक है चौदह साल में एक बार फूल इस पे उगता है और उसके बाद फिर चौदह साल बाद ही उगता है नीलगिरी पे बहुत यूनिक से जो है वो प्लांट्स है उनको सुरक्षा दी जाती है वेर एज इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट बीन लॉन्च बाय दी प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली प्रधानमंत्री द्वारा भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कापे पे शुरू की गई है तो सूरत करके याद रखिए गुजरात के सूरत में हरित हरित हाइड्रोजन मिश्रण हाइड्रोजन के ऊपर भारत बहुत जल्दी कुछ ना कुछ आपकी चीजें स्टार्ट कर देगा मिथेन मिक्स्ड फ्यूल बताइए नितिन गडकरी जो कि आपके यूनियन मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट के उनके द्वारा मिश्रित ईंधन से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया है कहां से भारत सेवन, दो हजार सैतालीस तक अपने आप को पूरी तरीके से जीरो अमिशन करना चाहती है कार्बन की इसलिए उसको हाइड्रोजन और मिथेन पे आना पड़ेगा मिथेन के लिए जो है वो फ्यूल इस्तेमाल किया इसमें आईओ जो सी है इंडियन ऑयल कंपनी जो है उसके अलावा अशोक लीलैंड जो गाड़ियां बनाते हैं बेंगलुरु मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट ये भी साथ दे रही है तो इसका मतलब बेंगलुरु बेंगलोर के अंदर अभी मिथेन मिक्स फ्यूल को लॉन्च किया गया है पहली बार बेंगलोर के अंदर ही मिथेन की जो गाड़ियां हैं वो चलने वाली है बेंगलोर विच स्टेट है वर्ल्ड फर्स्ट मैनुअलजिंग रोबोर्ट बैंडीकूट ये बताइए किसके द्वारा विश्व का पहला मेल्ड होने वाला रोबोट यानी कि जितनी भी गंदगी है उसको साफ करेगा ये तो जितना भी क्लीनिंग वाला है वो किसने स्टार्ट किया है रोबोट का नाम है बैंडीकूट और रखा कहा गया है? केरला के अंदर ये बताइए अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास के पांच किलोमीटर बफर क्षेत्र को हरित करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और इसके अंदर जो है अरावली वाले इसके अंदर आप याद रखिए कि आपकी चार स्टेट जो है ना उसको शामिल किया गया है इसमें आपकी चार स्टेट इंक्लूडेड है चार स्टेट शामिल है ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है यहाँ पे जल्दी से बता दीजिए कोई दिक्कत नहीं है भाई ये आपका एक बच्चा बहुत ही परेशान हो जाता है बच्चे परेशान क्यों जाते हो आप लोग पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है किसी भी लेवल पे कोई दिक्कत है क्या कहीं कोई परेशानी समस्या किसी भी तरीके की जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया जा रहा है आप जो एग्जाम में देके आने वाला है या भारत का कोई भी ऐसा एग्जाम है जो आगे आपके चार से पांच महीने बाद होने वाला है वो क्लासेस और वो क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे अरावली क्षेत्र की अगर हम बात करें पूरा अगर अरावली की बात हो रही है यहाँ पे अरावली परियोजना की बात हो रही है तो अरावली पहाड़ियां भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियां कही जाती है इनको भारत का ओल्डेस्ट माउंटेन कहते हैं राइट right. अरावली पहाड़ियाँ गुजरात के जामनगर से शुरू होती हैं यहाँ पे और गुजरात के जामनगर से शुरू होके ये पहाड़ियाँ राजस्थान से होती हुई दिल्ली के जो प्रेसिडेंट हाउस है वहां तक जाती हैं ये पहाड़ियाँ है पूरी की पूरी और ये आपका प्रोजेक्ट बनाती हैं ये इसको क्लाइमेट चेंज या ग्रीन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जा रहा है तो अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट करके याद रखिए इसका नाम क्या है अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट ठीक है अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट करके इसके लिए बोला जा रहा है तो एक बार यहाँ पे अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट करके लिख लें नेक्स्ट बताइए यहाँ पे इन द फोर्टीन ईयर्स फ्रॉम द इन द दिन ईयर फ्रॉम टू थाउजेंड फाइव टू थाउजेंड फाइव टू टू थाउजेंड नाइनटीन दो हजार पाँच से लेके उन्नीस के बीच में दो हजार पांच से लेके उन्नीस के बीच में इंडिया ने ग्रीन हाउस एमिशन को कितना परसेंट कम करने की बात की है 2005 से लेके 19 तक भारत जो है वो ये कह रहा है कि वो अपने कार्बन एमिशन जो है उसको क्या कर लेगा कम कर लेगा कितना परसेंट कम कर लेगा हरावली के अंदर आपके हरियाणा को भी इंक्लूड करता है भाई गुजरात से शुरू होता है तो हरियाणा राजस्थान और दिल्ली चार राज्य आ जाते हैं हरियाणा भी हो गया थर्टी थ्री परसेंट थर्टी थ्री परसेंट अच्छा यहाँ पे एक बार सिर्फ अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट नहीं अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लर्न करिए अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट नहीं अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ठीक है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चौदह साल में 2005 से 2019 तक की इंडिया ने बोला तो था कि हमने ग्रीन हाउस गैस को कम किया कितना कम किया तो 33 याद रखिए 33 तक कम किया महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हो चुका है या होने वाला हाँ टाइगर ग्रीन ये सॉरी अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एन टी सी ए ने यह डिक्लेयर किया है कि महदई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मह, महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भारत का

जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पार्टियों का आगामी सम्मेलन इसको आप सीओपी के नाम से जानते हो कन्वेंशन जो होने वाला है उसमें 28वां जो कन्वेंशन होगा ये कहां पे हो रहा है अट्ठाईसवा कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करके कहते हैं 28वां कन्वेंशन तीस नवंबर को शुरू हो रहा है ना तीस नवंबर से लेके आपके दिसंबर तक होने वाला है 2023 के अंदर ये कॉप नंबर की कॉन्फ्रेंस ये आ, मीटिंग होने वाली है यूनाइटेड अरब वो इसको होल्ड करने वाला है, तो है। सुपरसोनिक जेट जेट कॉज पॉल्यूशन बाय थिनिंग ऑफ जितने भी ये जेट रिलीज किए जाते हैं कहा जाता है उनके कारण की वजह से हमारी जो लेयर है वो खराब हो रही है कौन सी ओजोन की कौन सी ओजोन की ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड ड्यू टू डैश कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एयर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो जाती है या ग्लोबल वार्मिंग किसकी मात्रा के बढ़ने से होती है तो आप इंक्रीज ही लिखें कम होने से तो खैर क्या ही होगा CO2 की मात्रा अगर बढ़ेगी देखो सीधा सा है CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो हवा जो है वो गर्म होगी हवा अगर गर्म होगी तो पृथ्वी का जो तापमान है पृथ्वी का जो टेम्परेचर है पृथ्वी का तापमान जो है वो क्या हो जाएगा वो बढ़ जाएगा यानी कि वो गर्म हो जाएगा कहा जाता है पिछले सौ सालों के अंदर तकरीबन तकरीबन फोर डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो भारत ने या पूरी दुनिया ने बढ़ा लिया है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंटार्कटिक और आर्कटिक के ऊपर जो बर्फ रखी हुई है वो बर्फ क्या करेगी पिघलेगी क्या करेगी वो बर्फ पिघलेगी पिघलेगी तो जो जल स्तर है वो बढ़ेगा और जल स्तर बढ़ने से जो शहर है वो क्या होंगे पानी के अंदर डूबेंगे या चपेट में आएंगे जैसे मैंने कई बार बोला है कि नेदरलैंड जो है वो आधा पानी के अंदर ही है नेदरलैंड जो है वो आधा पानी के अंदर ही है उसके अलावा आपको ये वाली चीज बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी कि भारत के भी ऐसे कई सारे राज्य है शहर है जो कि पानी की चपेट में आ रहे हैं उड़ीसा का जो है वो एटी किलोमीटर कम हो चुका है और एक डेटा के हिसाब से कहा गया था कि इक्कीस के अंदर इक्कीस आते आते सन इक्कीस आते आते जो मुंबई शहर होगा वो आधा पानी के अंदर होगा एग्जैक्टली मुंबई मालदीव जावा सुमित्रा ये सारे जो आपके कॉन्टिनेंट अलग अलग कॉन्टिनेंट पे एशियन कॉन्टिनेंट पे कुछ आपके जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट पे कुछ आपके जो है वो साउथ अफ्रीका वाले जो पार्ट है उसमें ये सब देश या कुछ ऐसे छोटे छोटे शहर है जो पानी के अंदर आपके 50 परसेंट से ज्यादा जो है वो आपके खराब हो जाएंगे यानी कि पानी के अंदर चल जाएंगे तो इंक्रीज करके याद रखें निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत को खराब कर सकती है यहां पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मत लिख दीजिए, लिख दीजिएगा अगर ऑप्शन में होगा तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत को खराब कर सकती है तो मिथेन करके याद रखिए एयर पोल्यूशन कॉजिंग फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट प्रोडक्शन इंक्लूड एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण के कारण फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट को उत्पाद जो चीज करती है वो कौन सी चीज होती है आपकी जैसे हम बात कर रहे हैं आपके जितने भी ये जो एयर पोल्यूशन हो रहे हैं उसमें जो पॉल्यूटेंट जाते हैं या जो हमारे जो ऑक्सीडेंट oxidant, ऑक्सीडेंट्स होते हैं फोटोकेमिकल वो एग्जैक्टली exactly क्या करता है ओजोन पैरा अच्छा ओजोन की बात कहां से आ रही है ओजोन ओ थ्री होता है ठीक है और ओजोन के ही जो सीओ टू है ऑक्सीजन जो है वो टूट के क्या कर रहा होता है ओ टू में मिलके एक ऑक्सीजन जुड़ता है तभी ओ थ्री बनता है उसके अलावा पेरोक्सीटाइल नाइट्रेट जिसको पी ए एन के नाम से बोला जाता है पैन आपने कभी कभार पढ़ा होगा पैन पॉल्यूटेंट होता है और अल्डीहाइड्स ठीक है ये बताइए विच ऑफ दी फॉलोइंग रिप्रेजेंट एज एन एयर पोल्यूटेंट इनमें से कौन सी निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक का संकेत है तो हवा का हवा अगर खराब होती है एयर पोल्यूटेड होता है तो आप याद रखिए लाइकेन्स जो होते हैं ना ये हमेशा इसके संकेतक कहे जाते हैं इंडिकेटर कहे जाते हैं कई बार ये क्वेश्चन आता है आपके एस एस सी बहुत बार पूछती है रेलवे आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछ रही होती है यहाँ पे है ना रेलवे एस एस सी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर किसको कहते हैं लाइके को कहते हैं जो कि एलगी और फंगस के आ, साथ रहने से बनते हैं देखिए एल्गी फंगस यहाँ पे लाइकेंस कैसे बनता है जब आपकी शैवाल कहते हैं भाई फंगस को बोलते हैं कि तुम हमारे साथ ही रह लो काई के लिए अलग रहना है यहाँ पे है ना साथ साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा कवक जो है वो क्या करती है इसके लिए घर बनाती है शैवाल के लिए ठीक है और शैवाल क्या करता है कवक के लिए खाना बनाता है तो इनका अच्छा यहाँ पे हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन चल रहा है और लाइकेंस इन्होंने बना के तैयार कर दिए हैं वेयर इज नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियर इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इसको नीरी के नाम से कहा जाता है जब हम साइंटिफिकली इसका कई बार जिक्र करते हैं तो ये ना नीरी करके लिखा जाता है नीरी नेशनल एनवायरमेंटल नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पूरी तरीके से काम करता है मतलब सेंट्रली फंडेड है ये और आप याद रखिए ये हो रहा है आपके नागपुर के अंदर नागपुर कहा है महाराष्ट्र के अंदर नागपुर को क्या कहते हैं गेटवे ऑफ टाइगर कहा जाता है नागपुर शहर आपका किस नाम से जाना जाता है गेटवे ऑफ टाइगर के नाम से इसको कहा जाता है बाघों का भाई घर है द्वार है ये बाघों का तो गेटवे ऑफ टाइगर व्हाट आर नॉन बायोटिक पॉल्यूटेंट पॉल्यूट अंडरग्राउंड वाटर भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक नॉन बायोटिक पॉल्यूटेंट जो हैं ये आपके क्या कर रहा है यहाँ पे क्या? मतलब ऐसे पॉल्यूटेंट आपको बताने हैं जैसे जो आपका अंडरग्राउंड कहते हैं ना पोल्यूशन आप बढ़ाएंगे तो आपके सिर्फ हवा ही नहीं आपकी मिट्टी भी खराब होगी आपकी जो सतह है जिस सतह पे आप खड़े हो वो भी खराब होगी अगर आर्सेनिक की मात्रा आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो अंडरग्राउंड वाटर भूमिगत जल जो है वो भी क्या हो जाएगा आर्सेनिक उसमें मिल जाएगी आर्सिक के नाम से इसको जाना जाता है जिससे जो मिट्टी होती है वो खराब हो जाती है मिट्टी के अंदर जो पत्थर या चट्टाने होती है वो भी खराब हो जाती है विच ग्रीन हाउस गैस डू रूमिनेंट एनिमल प्रोड्यूस जुगालू करने जुगाली करने वाले पशु कौन सी ग्रीन हाउस गैस को उत्पादित करते हैं वैसे तो आप याद रखिए कि, कि आपके जितने भी जितने भी आपके ये जो ह्यूमंस हैं एनिमल्स हैं मीथेन को प्रोड्यूस कर ही रहे होते हैं लेकिन स्पेसिफिकली जो रिमिनेंट एनिमल्स होते हैं ना जुगाली जो करता है वो आपके मीथेन गैस को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं हु डिस्कवर्ड एसेट्रेन एसेट्रेन किसने डिस्कवर की थी रॉबर्ट एंगस स्मिथ करके याद रखिए एसेट्रेन होता क्या है यहां पे ये की जो इंफॉर्मेशन सेंटर स्टैब्लिश किया गया था कहां पे ओस्लो कहाँ पे है नॉर्वे के अंदर ऑस्लो वही जगह है जहां पे अब आपके अक्टूबर में नोबल प्राइज डिक्लेयर होना शुरू हो जाएंगे इन विच कंट्री डज मोस्ट ड्रेन अकर सबसे ज्यादा अमली वर्षा कौन से देश में होती है तो आप वैसे तो आप नॉर्वे यहाँ पे ऑप्शन में लिख लीजिए लेकिन याद रखिए कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ऐसे ट्रेन बहुत ज्यादा होती है इसमें अमेरिका भी इंक्लूडेड है लेकिन अगर आप चार में से ऑप्शन चूज करना होगा तो नॉर्वे करके याद रखिये वेयर इज देडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी कहते हो आप यूएनईपी का प्रोग्राम यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है कब स्टार्ट किया गया था यूएनईपी 16 नवंबर साल वही था जिस दिन आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया था 1945 193 इसको एसोसिएट करती हैं कंट्रीज और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है नेरो कैनिया के अंदर वेयर वॉज दर्ल्ड फर्स्ट एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो कहां पे हुआ था एनवायरमेंट तो स्टॉकहम स्वीडन करके याद रखिए पहली बार हमको ये रियलाइज हुआ कि भाई साहब हम तो अपना जो जमीन है अपनी जो जो वातावरण है उसको खराब कर रहे हैं तो उन्नीस के अंदर पर्यावरण एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टॉकहम स्वीडन के अंदर वेन वॉज दी स्टॉकहम कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू एनवायरमेंट हेल्थ तो मैंने आपको ईयर बताई दिया उन्नीस के अंदर हम हर साल पांच जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाते हैं मनाते हैं ना ये दिन हमने कौन सी तारीख से शुरू किया गया था हमने कौन सी तारीख से शुरू किया 1974 1974 अर्थ समिट कब ऑर्गेनाइज हुआ था पहली बार जब अर्थ समिट ऑर्गेनाइज हुआ था तब इसको रियो समिट के नाम से भी जानते हैं ये 3 जून को शुरू हुआ था 14 जून तक चला था ब्राजील के अंदर ये चला था 182 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट की थी और पृथ्वी को बचाने की इसमें मुहिम छेड़ी गई थी 1992 अर्थ समिट 1992 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कौन सी साल में बनाया गया था 1980 करके याद रखिए जल है तो जीवन है आपने सुने है ना पानी है तो जीवन है जल है तो जीवन है ऐसे करके याद रखिए 25 अक्टूबर 1980 को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आता है जहां पे ये निर्धारित किया जाता है कि हर कंट्री के अंदर 33 परसेंट उसकी जो क्षेत्र होगी जो एरिया होगा जो क्षेत्रफल होगा वो कम से कम कम से कम 33 परसेंट जो है वो आपको फॉरेस्ट के अंदर रखना पड़ेगा लोकसभा के अंदर भारत के अंदर 2023 में इससे रिलेटेड एक बिल भी पास हुआ है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 इसको भी पास करने की बात यहाँ पे हो रही है ईपीए कब आया आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये आपके इससे पहले ही आ गया था नाइनटीन से पहले ही आपका नाइनटीन के अंदर इसको हम ला दिए थे क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल क्यों किया जाता है 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल क्यों करते हैं ताकि आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो एमिशन है उनको कम किया जा सके तो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन क्योटो प्रोटोकॉल ये इनके बाद में आए हैं सारा तो 2005 करके याद रखिए 2000 फाइव दो हजार पांच विच पॉइजनर गैस वॉज लीक इन भोपाल गैस ट्रेजेडी दिसंबर उन्नीस ठीक है भारत के अंदर उन्नीस के अंदर काफी अहम घटनाएं घटी हैं, जो कि कुछ कुछ क्या सारी बहुत ही ज्यादा दुखद है जैसे 1984 के अंदर ही भारत ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था उसके बाद 84 के अंदर ही इंदिरा गांधी जी की हत्या भी कर दी गई थी और इसी साल जो है वो दिसंबर के अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी हो जाती है जिसमें मिथाइल एसोसाइनेट रिलीज लीक हो जाती है रात के समय पे लोग समझ भी नहीं पाते हैं पैतालीस टन गैस ये रिलीज हुई थी याद रखिएगा नाइनटीन दिसंबर की बात है पैतालीस टन गैस इसके से रिलीज हो गई थी और ये एक एक्सीडेंट था वैसे तो कि पेस्टिसाइड का प्लांट था अमेरिकन फॉर्म थी ये जिसको यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन कहते हैं हालांकि कहा जाता है उसका जो हेड था पसंद था वो पकड़ा नहीं गया वो भाग गया और उसके भागने में भी काफी लोगों ने मदद ही की थी यहाँ पे लेकिन उसके बाद भी याद रखिए जो रबड़ बनते हैं रबड़ जो बनती है ना ये टायर वाली जो रबड़ बनती है आपकी वो उसका वो भी वहाँ पे काफी हद तक जल गई थी उसके अलावा जो गैस थी वो रिलीज हो गई लीक हो गई थी यहाँ पे तो ये याद रखिए दिसंबर 1984 दिसंबर 1984 की यहाँ पे बात कर रहे हैं पैतालीस टन गैस रिलीज हो गई थी व्हाट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो आप ओजोन लेयर प्रोटेक्शन करके याद रखिए क्या हुआ सारी चीजें ठीक है ना कहीं कोई एरर कहीं किसी चीज के लिए बात क्योटो प्रोटोकॉल केम इन टू फोर्स लिखा हुआ है ना तो यहाँ पे आप 2005 ही आएगा क्या ही दिक्कत आ रही है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था

काटा प्रोटोकॉल तो बायोसिक्योरिटी याद रखिए जैव सुरक्षा से संबंधित है काटा जीना बायो और बायोसिक्योरिटी उसकी बात हो रही है नागोया प्रोटोकॉल नागोया नागोया शहर जो है वो जापान के अंदर है पैंतालीस टन तैतिस तैस दशमलव पांच नहीं पूरी गैस जो रिलीक हुई है पूरे तीन चार दिनों तक वो पैतालीस टन गैस जो है वो रिलीज लिए जाना जाता है जो सीओपी टेन हुआ था ना सीओपी टेन जापान के अंदर हुआ था वहां पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात की थी जैविक विधिता जो बात करता है तो वही आपका एनबीए भी स्टार्ट एनकोलॉजी की जो टर्म है इकोलॉजी शब्द पहली बार 1869 में कॉइन किया गया था किसने हकल अंश हकल इनका पूरा नाम अंशथकल जाना जाता है इकोलॉजी शब्द पहली बार इन्हीं के द्वारा दिया गया था फॉरेस्ट इकोसिस्टम में फंगाई जो होती है वो कैसे रखी जाती है तो हमेशा जो फंगस होती है ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और ये डेड एंड डिके चीजों पे डिपेंड करते हैं यानी कि सड़ी गली चीजों पे डिपेंड करते हैं इसका मतलब आप इसको डिकम्पोजर की कैटेगरी में रखोगे लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है सबसे कम उत्पादक परिस्थिति की तंत्र जो कहा जाता है वो कहा जाता है रेगिस्तान डेजर्ट क्योंकि भाई पौधे हैं नहीं एनिमल्स बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं करते तो यहाँ से प्रोडक्शन नहीं हो पाता इनमें से कौन सी ऐसी गैसेज है जो ग्रीन हाउस को ज्यादा इफेक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर वाटर वेपर्स कौन सी तीन ऐसी गैसें हैं जैसे ऑप्शन में तीन ही लिखा हुआ है आपका कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस को अफेक्ट करती है देखिए आप लोग एक चीज हमेशा याद रखिए जब भी हम ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं अफेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस जो होता है ना ये हमेशा आपका वाटर वेपर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो कभी भी यहाँ पे आंसर बिना वाटर वेपर्स के नहीं लिखेगा वन थ्री फोर ही लिखे वाटर वेपर्स कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर वेपर्स तीन चीजें हैं

चर्नोवेल डिजास्टर या चरनोवेल न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर जो कहा जाता है जो कि यूनाइटेड अच्छा ये वो आज के यूक्रेन में लोकेटेड है यूएसएसआर में था और इसमें रेडियो न्यूक्लियाट्स जो निकले थे एटमोस्फेयर के अंदर वो आ, कौन से साल में हुआ था ये नाइनटीन करके याद रखिए उन्नीस है ना एटी के अंदर अच्छा ये जो चर्नोवेल डिजास्टर हुआ था इसमें भारी मात्रा में पोलोनियम वैसे तो यू, यूरेनियम के लिए बोलते हैं लेकिन बहुत मात्रा में पोलोनियम भी निकला था ियम के लिए बोला जाता है कि अगर इसका छोटा सा भी एक एक जैसे मिट्टी के के एक दाने की बराबर मतलब मिट्टी का दाना आपको कैसे ही ही पता लगेगा एक छोटी छोटी सी सी बहुत चीज जैसे परत समझ लीजिए एक लेयर समझ लीजिए जैसे आपके हाथ पे छोटी सी एक सिल्वर फॉइल इतनी सी लग जाए अगर उतना पोलिनियम किसी की शरीर के अंदर घुस जाता है ना तो वो पोलोनियम जो है वो अगले दो तीन दिन के अंदर स्लो पॉइजन बन के आदमी को मार देता है जैसे पोलोनियम जो होता है वो शरीर में जाके आरबीसी को इकट्ठा कर देता है क्लम कर देता है ग्लूटेनेट को इनका बना देता है थक्का जैसे बना देता है और वो शरीर के अंदर ऐसे घूमता रहता है पूरी जगह ये सारे ऑर्गन को फेल कर देता है और तीन दिन के अंदर देखेंगे तो आदमी के सारे ऑर्गन्स जो है वो खराब हो चुके होंगे खत्म हो चुके होंगे और आदमी तीन दिन के अंदर जो है वो मर चुका होगा स्लो पॉइजन के नाम से इसको जाना जाता है जो रॉय एजेंसीज होती है ना या फिर जो आपकी ऐसे हिडन एजेंसीज होती है जैसे मुसाद है इनको किसी को मारना है और अपने ऊपर नाम भी नहीं लगवाना किसी को तो इसमें ना ये सभी यूज किया जाता है पोलोनियम वगैरह जो है ना वो यूज किया जाता है तो एक बार आप ये सीरीज जो है वो देखते रहिए अट्ठाईस उनतीस तीस को हम यहाँ पे मैराथन सेशन कर रहे हैं जो की आपके बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल से रिलेटेड है लेकिन आगे के जो एग्जाम है उनमें सब में हेल्प होने वाला है और आप लोगों के लिए एक तरीके से होगा रिविजन फास्ट एंड फ्यूरियस है ना एकदम बढ़िया तो पहले अपन जो करेंगे रिविजन वो हिस्ट्री का करने वाले हैं परसों हिस्ट्री करेंगे फिर पॉलिटी करेंगे फिर ज्योग्राफी करेंगे ठीक है तो सात तारीख को आठ सॉरी अट्ठाइस तारीख को उनतीस तारीख को और तीस तारीख को तीन दिन तीन मैराथन सेशन है जो की सात से दस सात से दस सात से दस होने वाले हैं तो उसके लिए आप जरूर से ज्वाइन करिएगा काफी सारे बच्चे ये हैं मैम बहुत हो गया पंद्रह क्वेश्चन आपने बहुत दिन करा लिए बीस क्वेश्चन बहुत दिन करा लिए अब अपने को करना है यहाँ पे चार सौ पांच सौ क्वेश्चन को करनी है यहाँ पे और साइंस की क्लास नाइन फिफ्टीन आपकी होती है उसको फॉलो कर लीजिए ये सारे सेशन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है थ्योरी क्लास आपकी साइंस की ऑलरेडी चल रही है एएलपी के लिए या रेलवे के लिए इंडिया के किसी भी पेपर के लिए आपको साइंस पढ़नी है तो वो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे क्लास ट्वेंटी के ऊपर और आज भी उसमें हम यहाँ पे करने वाले हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बिहार कांस्टेबल में आईएस लेवल का क्वेश्चन कैसी बात करो और आईएएस लेवल तक के भी तो क्वेश्चन पहुंचने के लिए अपन को बेसिक्स पता होना चाहिए तो मैं आपको जो क्वेश्चंस कराने वाली हूँ वो बेसिक्स ही कराने वाली हूँ ठीक है और बाकी पेपर में देख लेती लेते पे बिहार पुलिस का एक बार पेपर भी देखना है कैसा क्वेश्चन आते हैं बट स्पाइट ऑफ दैट बेसिक क्वेश्चन का रिविजन जो है वो हम अठाईस उनतीस तीस को करने वाले हैं अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच बाय बाय गुड नाइट टेक केयर मिलते हैं कल के सेशन में जहाँ पे हम जी आई टैगिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और मैं आपको परसों की भी पूरी जानकारी दूंगी कि क्लासेस जो है वो कैसे होंगी अट्ठाईस उनतीस तीस के जो मैराथॉन्स है